बेसिक शिक्षा विभाग में शहरी व ग्रामीण अलग अलग कार्डर याचिका खारिज, तो ऐसी ही कुछ याचिका लगाई गई थी कोर्ट में जिसको खारिज कर दिया गया। तो देखेंगे पूरी जानकारी आखिर क्या है ये मामला अलग अलग कैडर का। तो यहाँ पर प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है ने कहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग की सेवा नियमावली 1981 के अनुसार विभाग में शहरी और ग्रामीण अलग अलग कार्डर हैं तथा गलत कार्डर बताकर कुछ शिक्षकों द्वारा शहरी कार्डर में कराए गए अंतर जनपदीय स्थानांतरण को रद्द करना गलत नहीं है। कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। इसके बाद में फिर यहीं पर एक न्यूज और है कि विभाग ने इन शिक्षकों का स्थानांतरण रद्द करके इनको मूल जनपदों में वापस भेज दिया था, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, मगर याचिकागण को राहत देते हुए यह भी कहा कि भविष्य में यदि वे स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो उनके कैडर और अंकों के आधार पर उनका स्थानांतरण उनके करने पर विचार किया जाएगा। रीना उपाध्याय व 13 अन्य सहित दर्जनों याचिकाकर्ताओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा ने दिया है। याचिकागण ने अंतर जनपदीय तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, अपना कैडर ग्रामीण की जगह शहरी लिखा था। तो ये लिखने का मैटर है शहरी और ग्रामीण अंचल के हमारे शिक्षक हैं, क्योंकि जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसमें दो टाइप के कैडर होते हैं, एक तो शहरी एरिया आता है, एक ग्रामीण यानी रूरल और अर्बन एरिया, दो भागों में बटा हुआ होता है। और इसमें क्या होता है कि HRA जो होता है वो जो शहरी लोग हैं यानी कि शहरी शिक्षक हैं जो शहर वाले क्षेत्र में उनका स्कूल आता है उन्हें ज़्यादा मिलता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में कम मिलता है। तो उसी का ये मैटर था और स्थानांतरण का मामला था जिसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है।